गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे आप लोग? आज मैं आप लोगों के साथ कुछ स्पेशल लंच शेयर करूंगी। आज हमारे घर को कुछ गेस्ट आने वाले हैं, उनके लिए मैंने कुछ स्पेशल बनाया है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। चलिए तो फिर बनाते हैं हम लोग। मैं शाही पनीर का प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 3 बड़े टमाटर, 3 बड़े प्याज और कुछ कड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि इलायची, लवंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, ये सब डाल दिया है इसके अंदर। एक छोटा स्पून जीरा, काजू, 8 से 10 काजू डाल दिया है और उसके अंदर तरबूज के बीज डाल देंगे। काजू और तरबूज के बीज से पेस्ट में थिकनेस आता है और स्मूथ बनता है। अभी हम इसके अंदर 1 स्पून बटर डालेंगे। अभी ये सारे पक जाए इतना पानी डाल के मैं इसे मिला लूँगी। अब इसके अंदर और थोड़े पानी की ज़रूरत है, मैं और थोड़ा पानी डालूँगी। और इसे ढक के मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये पक गया है, अभी मैं इसके अंदर धनिया पाउडर, 2 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून जीरा पाउडर, 2 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी। शाही पनीर ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे कलर भी अच्छा आता है और स्पाइसी भी नहीं बनता है। इसे अच्छे से मिला के मैं दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दी हूँ। यहाँ मैं मैंगो पुडिंग बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है, इसे 10 से 15 मिनट अच्छे से पका लिया है और इसके अंदर मैं 2 स्पून मिल्क पाउडर डाल दूँगी। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम लोग इसे फिर से 10 से 15 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए पक गया है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हुआ है। मैं 2 फ्रेश ब्रेड को ग्राइंड करके रख ली हूँ। अब इस ब्रेड क्रम्स को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते हुए मिला लेंगे। ये ब्रेड क्रम्स डालने से थिकनेस आता है, जैसा मावा डालने से दाना दाना बनता है, यह भी वैसे ही बनता है। अभी हम लोग इसे भी 5 से 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए लाइट ठीक बनते जा रहा है। ये अभी हम लोग इसके अंदर शुगर डाल देंगे। आप लोग चाहे तो शुगर डाल सकते हैं या कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं और अपने स्वाद के अनुसार शुगर डाल सकते हैं।
हम लोग घर में मीठा कम खाते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर बहुत कम शुगर डाला है, क्योंकि आम भी मीठा होता है। एक आम को मैंने ग्राइंड करके रख लिया था, अब इसके अंदर डाल के अच्छे से मिला लेंगे। इसका कलर भी बहुत अच्छा था है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए एक बार। देखिए इसका कलर कितना अच्छा है, नेचुरल कलर। अभी हम शाही पनीर के लिए मसाले को ग्राइंड करके रख ली हूँ, अभी उसे छान के अच्छे से स्मूथ पेस्ट निकाल लूँगी। शाही पनीर का पेस्ट स्मूथ रहना चाहिए। अभी मैं यहाँ एक कढ़ाई रख के कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल और थोड़ा बटर ले लूँगी और उसमें मैं पनीर के क्यूब्स को डाल के एक दो मिनट फ्राई कर लूँगी। बटर को ज़्यादा गर्म नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो वो जल जाएगा। दो मिनट फ्राई होने के बाद उसके अंदर हम लोग मसाला डाल देंगे पूरा। उसके अंदर मसाला डाल दूंगी पूरा, अच्छे से मिला लूंगी। इसे अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर से मिला लूंगी। एक स्पून मिल्क पाउडर और एक स्पून हनी डालकर इसे अच्छे से मिला लूँगी मैं। मिल्क पाउडर से स्मूथ पेस्ट बनता है और स्वाद बढ़ता है। सब्जी पक रहा है, तंदूरी रोटी के लिए मैं यहाँ आटा प्रिपरेशन कर लूँगी। मैं फूड प्रोसेसर में आटा डाल ली हूँ, दो बाउल मैदा आटा, आधा स्पून शुगर, थोड़ा सा नमक और बेकिंग पाउडर, दो स्पून दही डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये अपने रोटी से भी थोड़ा सा पतला होना चाहिए आटा। अभी मैं इसे एक घंटे के लिए रेस्ट दे दूँगी। अभी मैं दाल मखानी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। दाल मखानी के लिए मैंने काला दाल और राजमा को पका कर रख ली हूँ। अभी कढ़ाई में तेल डाल के इसके अंदर हम लोग सारे कई मसाले डाल देंगे। जीरा और खड़े मसाले डाल देंगे। मैं इसके लिए अभी फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रखी हूँ, उसका इस्तेमाल करूँगी मैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा हल्दी डाल दी हूँ,
अब इसके अंदर थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल के अच्छे से मिला लेंगे और टमाटर प्यूरी डाल के अभी हम लोग इसे पकने के लिए रख देंगे। अभी हम लोग इसके अंदर सारे मसाले डाल लेंगे। 2 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून जीरा पाउडर, 1.5 से 2 स्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल लेंगे। और इसके अंदर मैं 1 छोटा स्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दूंगी, जिससे ये कलर इसका कलर अच्छा आएगा। मैं दाल को ऑलरेडी पका के रख ली हूँ, अभी हम लोग इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी इसके अंदर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। थोड़ा सा बटर डाल के इसे अच्छे से मिला लूँगी। देखिए ये अपना तेल छोड़ रहा है। अभी हम लोग इसमें दाल डाल देंगे। मैं इसमें काला दाल और राजमा लिया है। प्लीज़ फ्रेंड्स, साउंड को माइंड मत करिए, हमारे घर के बाजू फर्नीचर का काम चल रहा है, इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मैं ये रोटी और चावल के साथ बना रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा थिक भी नहीं बनाऊँगी, ज़्यादा पतला भी नहीं बनाऊँगी, मीडियम बनाऊँगी। इसे अच्छे से मैश करते हुए मिला लेंगे। अभी मैं शाही पुलाव बना रही हूँ, इसके लिए मैं एक कुकर में 3 से 4 स्पून घी ले लूँगी। अभी इसके अंदर मैं शाही जीरा और खड़े मसाले डालूंगी। शाही पुलाव में ना ही प्याज लगता है और ना ही जिंजर गार्लिक पेस्ट लगता है, इसमें ओनली वेजिटेबल्स ड्राई फ्रूट्स से ही ये बनाया जाता है। मैं आधे घंटे पहले बासमती चावल को भिगो के रख दिया है। अभी मैं इसके अंदर 10 से 12 बादाम डाल दूंगी। और काजू, किशमिश डाल के अच्छे से मिला लूंगी। अभी मैं इसके अंदर ओनली मटर डाल रही हूँ, आप लोग चाहे तो बीन्स, कैरेट, कॉलीफ्लावर भी डाल सकते हैं।
अभी हम सारे को अच्छे से मिला लेंगे। छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ पनीर भी डाल देंगे इसके अंदर। ये सारे अभी देखिए अच्छे से पक गए हैं। अभी इसके अंदर मैं स्वादानुसार नमक डाल दूंगी। और इसके अंदर चावल को भी डाल देके अभी मैं अच्छे से मिला लूँगी इसे। इसे हल्के हाथों से मिलाना चाहिए, नहीं तो चावल टूट जाता है। ये भीगा हुआ चावल है ना, इसलिए हल्लू से मिलाना चाहिए। और दूसरी तरफ मैं पानी गर्म होने के लिए गर्म करके रख ली हूँ। पानी को ज़्यादा गर्म नहीं किया, बस थोड़ा सा गर्म किया था। अभी हम लोग इसे अच्छे से मिला के 1 से 2 विजिल आने तक रख देंगे। कुकर को हम लोग दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे। अभी इसके अंदर दाल मखानी के अंदर हम लोग अभी थोड़ा सा क्रीम डाल के अच्छे से मिला लेंगे। दाल मखानी बिना क्रीम के नहीं बनता है और उसका स्वाद नहीं आता है। कितना रिच कलर आ रहा है देखिए क्रीम डालने के बाद। चलिए हम लोग अभी सारे फूड को डिश आउट कर लेंगे। मैं यहाँ पुडिंग को गार्निश कर लूँगी। मैं यहाँ छोटे छोटे आम के पीसेस बना के रख ली हूँ, उसके उन पीसेस को पुडिंग के ऊपर डाल दूँगी और थोड़े से बादाम पिस्ता काजू भी डाल के इसे फ्रिज के अंदर रख दूँगी। दाल मखनी भी रेडी हो गई है। हम लोग इसके अंदर हरा धनिया डाल के साइड में रख लेंगे। इसके अंदर थोड़ा हरा धनिया और थोड़ा क्रीम यूज़ कर लेंगे हम लोग। इसे साइड में रख देंगे। हम लोग अभी पनीर को भी डिश आउट कर लेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग भी ट्राई करिए।
कैसा बना, आप लोग कैसे बनाए मुझे बताना मत भूलिएगा। पनीर के ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे हम लोग अभी। अभी मैं रोटी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। रोटी के ऊपर पानी लगा के पानी का साइड हम लोग तवे पे डाल देंगे। देखिए पानी का साइड नीचे से तवे के ऊपर डाल दिया है। ये आटा बहुत ज़्यादा नरम हो गया है इसलिए इसका शेप अच्छे से नहीं आ रहा, आप माइंड मत करिए। देखिए रोटी रेडी हो गया, हम लोग इसे निकाल के बटर लगा लेंगे इसके ऊपर। हम इधर और एक रोटी का प्रिपरेशन कर लेंगे। अभी हम लोग इसके ऊपर पानी लगा देंगे। पानी लगा के जिस तरफ पानी लगा है उससे उस तरफ हम लोग तवे पे डाल देंगे। जैसे रेस्टोरेंट पे बनता है वैसा ही बनता है ये। आज का फूड कैसा लगा आप लोग बताना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी बेटी खाना स्टार्ट कर दिया है। हम खाने के बाद पुडिंग का टेस्ट, अभी हम लोग पुडिंग का टेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही डिलीशियस बना है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए और आप लोग ट्राई करके मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। आप लोगों को आज का फूड कैसा लगा बताइए ज़रूर। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बाजू जो बेल बटन होता है उसे प्रेस करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में एक लाइक कर दीजिए।
आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब भी मुझे मोटिवेशन करता रहेगा और मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी।